दुनिया के रंगों की तरफ देखो, अगर ये ना हो तो कैसा लगे। रंग हमारी जिंदगियों में खुशियां भरते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह डायमंड पेंट्स मुख्तलिफ इकसाम के पेंट्स और कोटिंग तैयार करता है और न सिर्फ मुल्की जरूरियात पूरी कर रहा है बल्कि बेशतर मुमालिक में एक्सपोर्ट भी करता है। विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। Assalamualaikum, welcome to another amazing program of Made in Pakistan. मैं हूं सलमान खान। आज का प्रोग्राम बहुत खास है क्योंकि आज हम कवर करने जा रहे हैं पेंट इंडस्ट्री में पाकिस्तान's नंबर वन नेशनल सेलिंग ब्रांड डायमंड पेंट्स को। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे किस तरह डायमंड पेंट्स मुख्तलिफ इकसाम के पेंट्स तैयार करता है, चाहे वो आर्किटेक्चरल कोटिंग हो, इंडस्ट्रियल कोटिंग हो, पाउडर कोटिंग हो या हाई परफॉर्मेंस कोटिंग हो, या फिर व्हीकल रीफिनिशेस या रोड मार्किंग पेंट्स हो। ये तमाम तर पेंट्स पाकिस्तान में तैयार किए जाते हैं इसी प्रोडक्शन फैसिलिटी में, और ना सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई किए जा रहे हैं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो आइए डिस्कवर करते हैं। It was time to meet the man behind Diamond Paints, the CEO of the company, Mr. Mir Shoaib Ahmed. Assalamu alaikum sir. Kaise hain aap? Thank you very much for your precious time. Sabse pehle to hamare nazreen ko batayega ki how did you get into the business? Ye paint industry mein kaise aaye? Kya kya mushkilat aayi shuru mein aur is waqt jo hai Diamond Paints kahan khadi hai? The factory was started by my late father, Mir Alauddin, in 1982. So it would be exactly 40 years from now approximately. We started as a small manufacturer of industrial coatings. I see. Aur wahan se ye start hua, aur when I joined to decorative coatings mein kuch products bana rahe the. So it went on for a while, aur obviously ke ek it was a long journey of 40 years. Aur usme ye hai ke phir zara decorative mein phir humne apni range behtar karni shuru ki आहिस्ता आहिस्ता, और उसके बाद हम इंडस्ट्रियल के अंदर पाकिस्तानी पहली पाउडर कोटिंग्स बनाने वाली कंपनी बने। माशाल्लाह। एक मल्टीनेशनल थी पहले, बट नो पाकिस्तानी वाज डूइंग इट। जो है वो हमने उसके बाद अचीव किया माइलस्टोन। हमने अपने रेजिन्स बनाने खुद शुरू किए। लेटर ऑन हमने अपना जो एक्रिलिक्स और पॉलीविनाइल एसीटेट जो कि वाटर बेस्ड के रेजिन्स हैं वो बनाने शुरू किए। साथ साथ हम अपनी रेंज भी एक्सपैंड करते चले गए, और इससे हुआ ये कि ऑब्वियसली व्हेन वी स्टार्टेड तो पाकिस्तान पूरा ही खुला हुआ था, एंड जाहिर है कि मल्टीनेशनल्स उस वक्त राज कर रहे थे। ठीक। सो इट वाज द मार्केट वाज ओपन टू अस। सो आई थिंक उस पर मेरी और मेरी जो टीम थी उसकी बहुत इसमें मेहनत है। हम जो हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स की फिगर्स में हम लीड करते हैं तमाम पाकिस्तान में, तमाम मल्टीनेशनल और तमाम लोकल कंपनीज़ को। और ऑब्वियसली ये चीज़ चैलेंज हुई एससीसीपी में थ्रू कंपटीशन कमीशन, एंड ऑब्वियसली वी सक्सीडेड। और हमारा वो जो क्लेम है इट्स द नंबर वन सेलिंग ब्रांड नाउ माशाल्लाह। सो इसके बाद फिर यह है कि हमने व्हीकल रीफिनिश में हम आए। हाँ। ये जो गाड़ी खुदा ना आस्ता गेट्स एक्सीडेंटेड तो उसके लिए जो पेंट्स बनते हैं, आपके वुड के फर्नीचर जो होते हैं वुड फिनिशेस में हम आए, रोड मार्किंग्स में हम आए, उसके बाद एलाइड बिजनेस के अंदर आपके जो स्पेसिफिकेशन पेंट्स होते हैं जो आपको बैराजेस पे, डैम्स पे, इपॉक्सीज हैं, क्लोरिनेटेड रबर्स हैं, एंड सो मेनी अदर्स। डेकोरेटिव में हमारे तकरीबन 800 डीलर्स हैं नेशन वाइड, और डायरेक्ट इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स वुड बी अराउंड आई थिंक मोर देन 250 राइट नाउ। माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरी दुनिया के अंदर खासतौर पर इंडस्ट्री में भी सस्टेनेबिलिटी की बात की जा रही है ताकि पूरी दुनिया का ख्याल रखा जाए, और अगर ये हमारा जो प्लानट अर्थ है ये इस तरह सरसब्ज और शादाब रहेगा तो तमाम इंसानियत का इसमें भला होगा। तो डायमंड पेंट्स खास तौर पर
इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, आई हैव बीन ऑलवेज वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एज यू सेड, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ प्लैनेट दैट वी ऑल शेयर, सो आई वी शुड लीव इट एटलीस्ट नॉट इन अ वर्स कंडीशन दैट इट ऑलरेडी इज. यस, तो उसमें वो डायमंड पेंट्स में मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमारी जो फैक्ट्री है उसका 50% जो इलेक्ट्रिसिटी है, अबाउट 800 केवी ऑफ इट इज ऑन सोलर राइट नाउ. वेरी नाइस. और ग्रीन एनर्जी. जी जी. और दूसरा हमने जो एक मेन काम अभी रिसेंटली किया है वो ये है कि हमने जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हमने लगाया है अभी फैक्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हम जो है बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं और उस बैक्टीरिया के ज़रिए तमाम एफ्लुएंट को ख़त्म किया जाता है. यूजली एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में आप केमिकल्स के ज़रिए एसिड्स और बेसिस के साथ उसको न्यूट्रलाइज करते हैं. आई सी. बट दिस वी हैव इम्पोर्टेड दिस रिएक्टर जो कि बेसिकली बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जो कि खुद ही एफ्लुएंट को खा लेता है और उसको उस लेवल पे ले आता है जिस पे हम उसको ड्रेन कर सकते हैं. वाओ, यानी कि उसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता और वो नेचर के लिए बहुत सही. एक्सपोर्ट्स कहाँ कहाँ कर रही हैं और मज़ीद क्या प्लान्स हैं, कहाँ जाना है? एक्सपोर्ट्स ही इस वक्त फ़िलहाल मेनली तो हमारी अफगानिस्तान और कतर है, बट वी आर स्टिल वर्किंग ऑन UAE मार्केट एंड वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन सम अफ्रीकन कंट्रीज के जहाँ ये प्रोडक्ट्स हमारी जा सकती हैं उस पर एक्टिवली काम हो रहा है और हमने उसमें टीम रख ली है और उस पर हम कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज पाकिस्तान के ज़ाहिर है कि एक हम एक प्रोडक्शन के लेवल तक आ चुके हैं और पाकिस्तान की एक जो है ना एक परसेंटेज हम ले चुके हैं. अब उसको सस्टेन करना वुड बी द चैलेंज बिकॉज ऑब्वियसली जो सेकेंड और थर्ड हैं दे आर ऑलवेज स्नैपिंग एट आवर हील्स. तो इसलिए ऑब्वियसली वी हैव टू लुक फॉरवर्ड नाउ और पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट की जाए और वहाँ से जो है फॉरेन एक्सचेंज भी लाया जाए. सर, थैंक यू वेरी मच, इट वाज़ प्लेजर टॉकिंग टू यू. बहुत अच्छा लगा कि आप मतलब यू आर बेसिकली अ ट्रू लीडर जो हु लीड इट फ्रॉम द फ्रंट. और मेरे ख्याल से आप और आपकी इंडस्ट्री जो है वो बाकी इंडस्ट्री के लिए भी एग्जांपल है कि इसी तरीके से हमें काम करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ का और अपनी एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना चाहिए. सो नाज़रीन, जिस तरह आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, अब आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, कितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो है पेंट तैयार किया जाता है डायमंड पेंट्स की स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री में. लेकिन हमें यहाँ पर लेना एक ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए. वाओ, जस्ट लुक एट इट, व्हाइट कलर का मटेरियल है और वो कितनी तेजी से मिक्स हो रहा है. डायमंड पेंट की स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री में वर्ल्ड क्लास पेंट बनाने का आगाज होता है R&D डिपार्टमेंट से, जहां क्वालिफाइड केमिस्ट पेंट टेक्नोलॉजी टेस्टिंग मशीन्स की मदद से नए केमिकल फॉर्मूलास तैयार करते हैं. डायमंड पेंट्स का R&D डिपार्टमेंट 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें रॉ मटेरियल इवेल्युएशन, वेदर टेस्टिंग, व्हीकल रीफिनिशेस और कस्टमाइजेशन पर बैक वक्त काम हो रहा होता है. लिक्विड रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए डायमंड पेंट ने बड़े बड़े ओवरहेड्स और अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए हैं, जिसमें लाखों लीटर सॉल्वेंट और रेजिन्स को स्टोर किया जाता है. सॉलिड रॉ मटेरियल स्टोर को 2 फ्लोर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें से एक फ्लोर पर पिगमेंट्स और दीगर केमिकल मटेरियल को बोरियों की सूरत में रखा गया है, जबकि दूसरे में पैकेजिंग मटेरियल स्टोर किया जाता है. घरों में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर आर्किटेक्चरल पेंट्स वाटर बेस्ड यूनिट में तैयार किए जाते हैं. इस यूनिट में पानी को बतौर सॉल्वेंट सॉलिड केमिकल फॉर्मूला में मिलाया जाता है. प्रोडक्शन यूनिट में लगे बड़े बड़े वेसल्स में हाई RPM पर मटेरियल को मिक्स किया जाता है. तैयार मटेरियल को लेटेस्ट मशीन्स पर क्वालिटी चेक के बाद फिलिंग के लिए अप्रूव किया जाता है. दूसरी जानिब सॉल्वेंट बेस यूनिट में ऑयल पेंट बनाने के लिए सॉल्वेंट को सॉलिड केमिकल फॉर्मूला में मिक्स किया जाता है, जिससे चमकदार और लॉन्ग लास्टिंग ऑयल पेंट तैयार हो जाता है.
तैयार वाटर बेस्ड और सॉल्वेंट बेस्ड पेंट्स को फिलिंग सेक्शन में ऑटोमेटिक पाइपिंग के जरिए लेटेस्ट मशीन की मदद से ड्रमीज में पैक करके वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया जाता है। इंडस्ट्रियल मेटल पर अप्लाई होने वाला पाउडर कोटिंग मटेरियल भी डायमंड पेंट्स के अलग प्रोडक्शन यूनिट में तैयार होता है। सॉलिड पिगमेंट्स पर मबनी केमिकल फॉर्मूले को वेसल्स में डालकर एक्सट्रूडर से गुजारा जाता है, जो एक मखसूस हीट देकर इसे सब्सटेंस की शक्ल में निकालकर कन्वेयर बेल्ट पर बिछाता है। कन्वेयर बेल्ट से शीट की शक्ल में तैयार मटेरियल को क्रशर की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। आखिर में ग्राइंडिंग मशीन में टुकड़ों को डालकर पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पैक कर दिया जाता है। फैक्ट्री में तैयार होने वाले हर किस्म के पेंट को डायमंड पेंट के वेयरहाउस में रखा जाता है, जहां से ये प्रीमियम क्वालिटी के पेंट्स न सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। फॉर्चुनेटली इनका आरएनडी डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है ये समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनके जनरल मैनेजर मिस्टर फहीम ए खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लग रहा है कि डायमंड पेंट जो है इतना बेहतरीन काम कर रहा है। आज हम लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से आप लोग पेंट तैयार करते हैं। आपका आरएनडी डिपार्टमेंट जो है ये किस तरह काम करता है, किस तरीके से नई नई इनोवेशन आप लेके आते हैं प्रोडक्ट्स में? बेसिकली आरएनडी डिपार्टमेंट एक कंपनी की बैकबोन होता है और डायमंड का फोकस आरएनडी डिपार्टमेंट पे बहुत ज़्यादा है। हम बेसिकली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में जो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो ग्रीन पेटेंट टेक्नोलॉजीज पे कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ताकि जो हम कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो ग्रीन पेटेंट हो, वो उसके लिए हैज़र्डस ना हो, जो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से प्लैनेट अर्थ के लिए। एग्जैक्टली, जो हैज़र्डस ना हो, लाइक लेड फ्री प्रोडक्ट्स हम उनको दे रहे होते हैं और ऐसी प्रोडक्ट जिसमें VOC जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जो इंसान की सेहत के लिए मुजर होते हैं वो फ्री करके हम जैसे आर्किटेक्चरल फिनिशेज हमारी बहुत लो VOC पे हम काम कर रहे होते हैं वो प्रोडक्ट्स हम देते हैं। हम रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं और जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आती है दुनिया की बेस्ट रॉ मटेरियल्स की हम सिलेक्शन करते हैं। अच्छा भाई, उन रॉ मटेरियल्स को हम यहाँ पे पहले इवेल्युएट करते हैं, आइदर के वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, टेक्निकल डेटा शीट्स में उनकी मेंशन होती है कि ये इस चीज़ के लिए, उसके बावजूद हम उसको टेस्ट करते हैं और कई रॉ मटेरियल्स हमारे 6 महीने से साल तक पे चले जाते हैं। अच्छा, उसकी इवेल्युएशन पे अंटिल एंड अनलेस वी आर नॉट कंफर्म कि ये रॉ मटेरियल हमारे लिए सही है। अच्छा, फिर उसके ऊपर हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। डेवलपमेंट करने के बाद ये आप जैसे लैब देख रहे हैं इसके अंदर सारी टेस्टिंग फैसिलिटी, इस टाइम दुनिया की जो बेस्ट पेंट टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पास रखा। अच्छा, और ये मशीन्स भी हम देख रहे हैं ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल? बेसिकली ये मशीन आपने देखा होगा घर के ऊपर, अगर आपका कोई सवाल आता है कि जी ये आपका जो मैं घर पे एक्सटीरियर पे पेंट करवाता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, तो मेरा पेंट कितने अर्से तक लास्ट करेगा, कितने अर्से में फेड हो जाएगा? हाँ। ये बेसिकली हम इसके अंदर ये आप देखें सैंपल होता है जो हमारा प्रोडक्ट्स का यहाँ पे हम रखते हैं। अच्छा, इसमें आर्टिफिशियल वेदरिंग होती है, ठीक है, और एक्सेलरेटेड वेदरिंग कहलाती है बेसिकली। अच्छा, आपको घंटों हजार घंटे के अंदर आपको बता देगी कि आपका पेंट कितने दिनों में फेड हो जाएगा। इसी यानी कि इसी में आंधी भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, धूप भी लग रही है, फॉग भी है, ये सारी पैरामीटर्स है जो आर्टिफिशियल वेदरिंग हमें फौरन देती है, जिसकी वजह से डायमंड जो क्लेम करता है क्वालिटी पेंट तो वो आपका पेंट इंशाल्लाह फेड नहीं होगा। जितने भी रॉ मटेरियल की इवैल्यूएशन होती है वो यहाँ पे की जाती है, प्लस जो
टॉप ऑफ द लाइन हमारी जो मशीन्स हैं लैब की, ये सारी मशीन्स अगर आप देखें ना, ये दुनिया के बेहतरीन मशीन्स इस टाइम हम इंस्टॉल की हुई हैं। हमारे कैमरा में दिखा सके ये सारी मशीन्स अगर आप देखें। अच्छा, और यही मशीन्स भी हमें बड़ी साइज में प्रोडक्शन फैसिलिटी यहाँ पे, ये जितने भी मेरे केमिस्ट हैं ये डेवलप करते हैं पेंट, बनाते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट होने के बाद पूरा हमारा हायरार्की है जो उसको चेक करती है, चेक होने के बाद फिर मेरे पास पहुंचता है, फिर हम उसको फाइनल करते हैं, देन वी पोस्ट द फॉर्मुलेशन इन सैप। तो जनरली अभी कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं, कोई जो डायमंड पेंट्स ने इनोवेट किए और मार्केट में प्रोवाइड किए? फ्रेंकली स्पीकिंग सलमान, आई डोंट रिमेंबर द नंबर बिकॉज इट्स थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आई सी, माशाल्लाह। तो एक घर बनने से स्टार्ट लेने तक, घर के एंड तक मेटल, वुड, तमाम चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। कोई भी फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल कोटिंग्स हैं, फैन इंडस्ट्री है, सारे फैंस अगर आप देखेंगे तो आपके पास सारे वो डायमंड का पाउडर कोटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, पाइप कोटिंग्स हैं, इपॉक्सीज हैं, हाई परफॉर्मेंस कोटिंग्स हैं, बरीड पाइप कोटिंग है, इसके सारे पेंट्स बनाते हैं। और पाउडर कोटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नंबर वन, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें। और ये क्या बड़ा खूबसूरत सा है, को लगा जी, बेसिकली ये आपको ये 70-80 टिंटर्स आपको ये नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये टिंटर्स, ये जो मशीन है, इट वर्क्स फॉर ऑल टाइप ऑफ कलर्स, कैन बी प्रिपेयर्ड ऑफ एनी कार इन द वर्ल्ड। जितनी भी गाड़ियां हैं वो आपकी 3S डीलर पे जब जाती हैं और उसमें कोई एक्सीडेंट होता है खुदा ना खास्ता, उनके जो पेंट बनना होता है आपको, यू जस्ट हैव टू टेल द कोड नंबर। ये सारी फॉर्मुलेशन इसकी सिस्टम से निकलेंगी, ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज है, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, और आपको यहाँ से हम इससे पेंट प्रिपेयर करके और आपको उसी टाइम तैयार करके पेंट दे देंगे। ये DCM की मशीन है, ये हमने बल्कि वो डायमंड पेंट की शॉप से भी देखी है। ये हमारे पूरे पाकिस्तान में आपको ये मशीन्स मिलेगी। ये सबसे लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजिकल मशीन्स हैं और ये DCM मशीन डायमंड कलोमेटिक मशीन्स कहलाती है। आप अपने इमेजिनेशन के हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं। ये नेचर से 1001 कलर्स का शेड कार्ड होगा आपका, आप इसमें से चूज करें और विद इन अ फोर मिनट वी कैन प्रोड्यूस द कलर फॉर यू। आपने इतनी डिटेल में हमें बताया हमारे नाज़रीन को, आगे चल के हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि ये पेंट्स तैयार कैसे किए जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में ये पेंट्स तैयार हो रहे हैं और यहाँ से मेड इन पाकिस्तान के प्राउड टैग के साथ अब दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। प्रोडक्शन फैसिलिटी में जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि डायमंड पेंट्स अपना रॉ मटेरियल किस तरह स्टोर करता है। और पेंट बनाने के लिए जनरली मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं जिसमें एडिटिव हैं, पिगमेंट्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, रेजन्स हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़े बड़े साइलोज, ये वो कंटेनर्स हैं, ओवर हेड कंटेनर्स हैं जिनके अंदर डायमंड पेंट्स, सॉल्वेंट्स, बाइंडर्स, रेजन्स, ये लिक्विड मटीरियल है उसको स्टोर करता है। और इस तरह के ओवर हेड कंटेनर्स ही इनके पास नहीं है बल्कि इन्होंने अंडरग्राउंड टैंक्स जो हैं उनमें भी ये लिक्विड मटेरियल स्टोर किया होता है। डायमंड पेंट्स खास तौर पे फोकस करता है हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट पे, और इसी वजह से ये अपने वर्कर्स की सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और ऑटोमेटिकली ये हाईली फ्लेमेबल लिक्विड मटेरियल जो है उसको पम्प किया जाता है पाइपिंग के ज़रिए प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर, और वहाँ से फिर से पेंट्स बनाए जाते हैं। इनका दूसरा रॉ मटेरियल जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कॉम्पोनेंट स्टोर किए जाते हैं, आपको वो दिखाते हैं और फिर आपको लेके चलेंगे इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी में। ये है डायमंड पेंट्स का रॉ मटेरियल स्टोर जिसको इन्होंने दो फ्लोर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पैकेजिंग मटेरियल यहाँ पर इन्होंने स्टोर किया है, चाहे वो कैंस की सूरत में हो, कार्टन्स की सूरत में हो, और यहाँ से ये पैकेजिंग मटेरियल शिफ्ट किया जाता है इनके फिलिंग सेक्शन में। इसके अलावा इसी के ऊपर रॉ मटेरियल स्टोर का एक और जो फ्लोर है वहाँ पर ख़ास तौर पर पाउडर्ड केमिकल जो कि पिगमेंट्स और एडिटिव्स होते हैं बैग्स की सूरत में होते हैं उनको स्टोर किया जाता है, और वहाँ से शिफ्ट किया जाता है प्रोडक्शन फैसिलिटी में जहाँ पर मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स को मिलाकर पेंट तैयार किया जाता है। आइए अब आपको लिए चलते हैं इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी में।
केमिकल फार्मूला के मुताबिक रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन एरियाज में शिफ्ट किया जाता है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डायमंड पेंट के वाटर बेस्ड प्रोडक्शन एरिया के अंदर, जहाँ पर न सिर्फ ये पाउडर्ड केमिकल मौजूद है, इस पाउडर्ड केमिकल को जो केमिकल रेसिपी बनाई जाती है उसके हिसाब से इन बड़े बड़े वेसल्स में शिफ्ट किया जाता है और यहाँ पर वाटर को एज अ सॉल्वेंट इसमें ऐड किया जाता है, फिर हाई RPM के अंदर एक मखसूस वक्त तक इसको मिक्स किया जाता है और एक होमोजेनाइज मटेरियल जो है वो बनाया जाता है। वाओ, जस्ट लुक एट इट, वाइट कलर का मटेरियल है और वो कितनी तेज़ी से मिक्स हो रहा है और आप देख सकते हैं इसे पाउडर भी बाहर निकल रहा है। अच्छा, फिर इसमें शेड्स देने के लिए इसमें टिंट ऐड करते हैं इस तरह के एक्सपर्ट वर्कर्स, और जब विजुअली वो देखते हैं कि वो पेंट तैयार हो गया तो उसका एक सैम्पल क्वालिटी कंट्रोल लैब में भेजा जाता है। क्वालिटी कंट्रोल लैब में कंप्यूटर के ऊपर बाकायदा तौर पे चेक किया जाता है कि केमिकल रेशो उसमें बिल्कुल ठीक है या नहीं, फिर इसके अलावा उसकी कलर मैचिंग भी होती है एक मशीन के ज़रिए, और जब क्वालिटी कंट्रोल लैब इस बैच को अप्रूव कर देती है तो फिर इसको फिलिंग हॉल में ऑटोमेटिक पाइपिंग के ज़रिए शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ से फिर इसको पैक किया जाता है। स्पेसिफिक आप कह लीजिए ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत जो है इसके अंदर मटेरियल डालती है, वहाँ जहाँ मटेरियल डल रहा है उसके नीचे वेट सेंसर्स लगे हैं, स्पेसिफिक वेट जब पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो पोरिंग बंद कर देती है और फिर कन्वेयर बेल्ट पे इसको पैक करके आगे शिफ्ट किया जाता है वेयर हाउसेस के अंदर। ये है डायमंड पेंट्स का सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्शन एरिया जहाँ पर पेंट तैयार किया जाता है जिसको हम इनैमल कहते हैं, इनैमल पेंट या आम जबान में ऑयल पेंट्स कहा जाता है। ये पेंट जो है मुख्तलिफ किस्म के रेजन्स और सॉल्वेंट्स को मिलाकर तैयार किया जाता है, इसकी केमिकल रेसिपी थोड़ी मुख्तलिफ होती है और ये आम तौर पर हम आउटडोर जो चीज़ें देखते हैं चाहे वो मेटल हो या हमारे घरों की खिड़कियाँ दरवाजे जो हैं उस पर पेंट किया जाता है और ये रस्ट फ्री होता है। इसका भी प्रोसीजर तकरीबन वही है, इसका बकायदा तौर पे एक मटेरियल बनाया जाता है, उसको बड़ा हाई RPM पे जो है वो मिक्स किया जाता है, मिक्स करने के बाद इसमें भी टिंट डाला जाता है, लेकिन इसका जो टिंट तैयार किया जाता है वो ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ कंटेनर्स में तैयार किया जाता है, उस टिंट को उसमें ऐड करते हैं और इसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल लैब में चेक किया जाता है, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इनके क्वालिटी कंट्रोल के मुताबिक जो है प्रोडक्ट तैयार होती है तो उस बैच को आगे फिलिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहां से फिर इसको फिल किया जाता है मुख्तलिफ गैलन्स के अंदर और फिर मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाया जाता है। आइए आगे चल के आपको फिलिंग सेक्शन दिखाते हैं। तो फिलिंग सेक्शन में इस तैयार मटेरियल को बहुत ही खूबसूरती से इन ड्रमीज में पैक किया जाता है और इंटरेस्टिंगली डायमंड पेंट्स में जो प्रोडक्शन एरिया है उसके बिल्कुल निचले फ्लोर पे फिलिंग सेक्शन बनाया है। प्रोडक्शन एरिया में हमने आपको दिखाया कि बड़े बड़े वेसल्स के अंदर मटेरियल तैयार किया जाता है और फिर इन्हीं वेसल्स से पाइपिंग के ज़रिए ये फिल किया जा रहा है इन ड्रमीज के अंदर। यहाँ पर लेटेस्ट मशीन्स इन्होंने लगाई है जो एक स्पेसिफिक आप कह लीजिए ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत जो है इसके अंदर मटेरियल डालती है, वहाँ जहाँ मटेरियल डल रहा है उसके नीचे वेट सेंसर्स लगे हैं, स्पेसिफिक वेट जब पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो पोरिंग बंद कर देती है और फिर इस कन्वेयर बेल्ट पे इसको पैक करके आगे शिफ्ट किया जाता है वेयर हाउसेस के अंदर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस फिलिंग सेक्शन में मुख्तलिफ तरह के फिलिंग स्टेशन बने हुए हैं जहाँ मुख्तलिफ मटेरियल जो है वो पैक हो रहा है और एग्जैक्टली जिस तरीके से वाटर बेस्ड मटेरियल फिल हो रहा है उसी तरीके से सॉल्वेंट बेस्ड मटेरियल भी जो है उसको फिलिंग की जाती है, पैक किया जाता है और फिर वेयरहाउस में शिफ्ट कर दिया जाता है।
आगे चल के आपको दिखाते हैं पाउडर कोटिंग कैसे तैयार की जाती है। डायमंड पेंट्स के पाउडर कोटिंग सेक्शन में भी लेटेस्ट कंप्यूटराइज मशीन्स के जरिए तमाम तर प्रोसेस होता है और इसकी केमिकल रेसिपी थोड़ी डिफरेंट होती है। सॉलिड मुख्तलिफ रेजन्स को मिलाकर वेसल में डाला जाता है और क्रश किया जाता है और क्रश मटेरियल को फिर शिफ्ट किया जाता है यहाँ एक्सट्रूडर के अंदर। एक्सट्रूडर में उस पर एक स्पेसिफिक हीट दी जाती है जिसके बाद ये सब्सटेंस बाहर आता है, वो इस मटीरियल इस शेप में बाहर आता है और यहाँ से सब्सटेंस को फिर इस कन्वेयर बेल्ट पे बिछा दिया जाता है। आप देख सकते हैं इसने एक शीट की शक्ल इख्तियार कर ली है और फिर ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। जब ये सॉलिड शेप में आना शुरू हो जाता है तो फिर आगे एक और क्रशर लगा होता है जो इसको इस शेप में सामने ले आता है। अच्छा, यहाँ पर इसको चेक किया जाता है कि ठीक तैयार हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल चेक साथ साथ होता रहता है और फिर इसको शिफ्ट कर दिया जाता है सामने मज़ीद ग्राइंडिंग मशीन्स में। इन ग्राइंडिंग मशीन्स में ये जो मटेरियल तैयार हुआ है इसको मज़ीद ग्राइंड किया जाता है और ग्राइंड करने के बाद पाउडर्ड फॉर्म में जो है कन्वर्ट किया जाता है। पाउडर्ड फॉर्म में फिर इसको पैक किया जाता है इस प्लास्टिक के अंदर और इस तरीके से ये पाउडर्ड कोटिंग मटेरियल जो है वो तैयार हो जाता है। इसको क्वालिटी कंट्रोल लैब में भेजा जाता है जहाँ इसके तमाम तर क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक किए जाते हैं और फिर इस बैच को अप्रूवल के बाद पैक किया जाता है, फिल किया जाता है और फिर बाद में वेयर हाउस में शिफ्ट किया जाता है। पाउडर कोटिंग आपको पता है ख़ास मटेरियल है जो मेटल प्रोडक्ट पे, मेटल मटेरियल पे इस्तेमाल होता है। इसकी शाइन और लाइफ बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली डायमंड पेंट्स में हो रहा है। पैकेजिंग डिपार्टमेंट से फिनिश गुड को शिफ्ट किया जाता है डायमंड पेंट्स के वेयर हाउस के अंदर और आप देख सकते हैं कैसे स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने अपने वेयर हाउसेस बनाए हैं जहां पर मुख्तलिफ किस्म के पेंट्स को मुख्तलिफ स्टैक्स में जो है वो रखा जाता है और इनके वेयर हाउस को भी इन्होंने दो फ्लोर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तकरीबन 10 लाख लीटर की कैपेसिटी है इनकी और यहाँ से फिर ये फिनिश गुड जो है जो कि कार्टन्स में पैक होता है या गैलन्स में पैक होता है उसको शिफ्ट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सप्लाई किया जाता है पूरे पाकिस्तान में इनके डीलर्स को और यहीं से ये प्रोडक्ट विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया के दीगर ममालिक में भी एक्सपोर्ट होती है। आगे चलते हैं, आपको इनकी तमाम तर प्रोडक्ट्स का एक डिस्प्ले भी दिखाते हैं। आइए, वक्त आ गया आज के प्रोग्राम के अख्ताम का, लेकिन जाने से पहले आपको डायमंड पेंट्स की तमाम तर प्रोडक्ट रेंज जो है वो दिखा दें। जिस तरह के आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट मशीन्स की मदद से मुख्तलिफ इकसाम के पेंट्स डायमंड पेंट्स की फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं, चाहे वो वाटर बेस्ड हों या फिर सॉल्वेंट बेस्ड पेंट्स हों या पाउडर कोटिंग हो। और आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत इनकी पैकिंग है, जहाँ जहाँ आपको एस लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये डायमंड पेंट्स की एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है। जिस तरह के सुपर ग्लॉस इनेमल है जो कि हम ग्रिल्स पे करते हैं, इसके अलावा डायमंड पेंट्स का वेदर डिफेंडर है जो कि हार्श वेदर में भी आपके घर की खूबसूरती को मांद नहीं पड़ने देता। इसके अलावा ड्यूरा सिल्क का ये पेंट है जो कि हमारी दीवारों को एक स्मूथ सिल्की टेक्सचर देता है, एक अच्छा फील आता है जब आप अपनी दीवारों को हाथ लगाते हैं और इट्स एंटी बैक्टीरियल एज वेल। साथ ही साथ इनका एक नहायत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है आर्टिस्टा, जिसमें यू कैन प्ले विद योर इमेजिनेशंस, आप अपने हिसाब से अपनी दीवारों को डिज़ाइन कर सकते हैं, मुख्तलिफ कलर टेक्सचर्स दे सकते हैं
रूफ कोट। आजकल जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस रूफ कोट के ज़रिए हम टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर अपनी छतों पे करवा लें। और सिर्फ ये आर्किटेक्चरल पेंट्स ही नहीं बना रहा, इंडस्ट्रियल पेंट्स ही नहीं बना रहा, बल्कि व्हीकल रीफिनिशेस की एक बड़ी रेंज बना रहा है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं ये मैक्स फिट है और मुख्तलिफ़ ये पेंट्स हैं मैक्सिमा के नाम से। ये तमाम तर पेंट्स जो है हमारी गाड़ियों को रीपेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर बात आती है टिम्बर की, लकड़ी की, तो इनका टिम्बर लैक जो है वो हमारी लकड़ियों को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत करता है, उनके ग्रेन्स को मज़ीद उभारता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत इनकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, और सिर्फ इनकी प्रीमियम और एक्सपेंसिव क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही नहीं है, बल्कि लोअर टीयर के लिए इन्होंने इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स भी बनाई हैं। यकीनन आज का प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा, बड़ा कलरफुल और इन्फॉर्मेटिव था, और आपको पता चला होगा कि जिन चीज़ों से हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में रंग भरते हैं वो पेंट्स कैसे तैयार होते हैं। और आपको ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनते हुए देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी, बहुत फ़ख्र हो रहा होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ, बी पाकिस्तानी, बाय दीज ब्यूटिफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज ब्यूटिफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। क्योंकि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ये प्रोडक्ट्स दुनिया भर में जहाँ जाएंगी ये पाकिस्तान का नाम लेकर जाएंगी, और पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा, कामयाब होगा, सुरखरू होगा। तो इसी दुआ और नेक तमन्ना के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, टीम मेड इन पाकिस्तान और अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।